नमस्कार दोस्तों, आपका मैं भवनेश शर्मा अपने YouTube चैनल शक्तिशाली किसान पर सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाई, 2024 में लुधियाना में यहां पर मेला लगा हुआ है और इस मेले में काफ़ी किसान इस ठंड में आ रहे हैं, क्योंकि ये जो मेला किसानों के यंत्रों का मेला है। यहां पर एक से एक यंत्र इस मेले में नया टेक्नोलॉजी में आए हुए हैं। तो सबसे पहले जो हम इस स्टोर पर खड़े हुए पीछे देख रहे हैं आप, आलू बोने की मशीन और आलू खोदने की मशीन। इस कंपनी में काफ़ी इस्टीमेट तैयार किए जाते हैं जो कंपनी के सर हैं, आज उनसे हम मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्ते। तो सर, सबसे पहले आप अपना परिचय करें जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं। जी सर। सर, मेरा नाम राजेंद्र पाल है और मैं मेरठ से हूँ। हमारी फर्म ईशर इंजीनियरिंग वर्क्स वीर मैकेनिकल ब्रांड। अच्छा जी। हमें 43 साल हो गए काम करते हुए आलू की मशीनों में। अच्छा, अब बात करते हैं सर, 2024 में आपने इन आलू वाली मशीनों में कुछ बदलाव कराया? सर सर बहुत बदलाव करा है। और अब हम जैसे पंजाब में आए, तो जो पंजाब की डिमांड है उस बेस पे हम अपनी मशीनें तैयार करके आए यहाँ पर। अच्छा अच्छा, तो आपकी कंपनी क्या क्या चीज बना रही है सर? फिलहाल तो हम पोटैटो प्लांटिंग और पोटैटो डिगिंग में मास्टर हैं। अच्छा। और इसके अलावा ऑफ सीजन में सीड ड्रिल हो गई, मक्का थ्रेशर हो गया और अपना स्प्रे मशीन हो गई, ये सब हमारे बनती है। अच्छा अच्छा, तो ये जो आपका मेरठ पड़ता है सर, ये तो यूपी के अंदर पड़ता है? यूपी में, दिल्ली के पास। अच्छा अच्छा, तो इसे लुधियाना में मेले में लेके आए? जी सर। तो आपकी जो भी ये मशीन है, इसमें ताकत भरे जिससे आप लुधियाना मेले पंजाब द टेक्नोलॉजी उसके उपलक्ष में यहाँ मेले में लेके आए सर। जैसे पंजाब वालों को झोटा मशीनें तैयार चाहिए ना, वैसे जी झोटा मशीन तैयार करके लाए हैं आज। अच्छा, अब आलू खोदने की, जैसे फसल आलू की आने वाली है, पक्के वाले आलू की, यूपी के अंदर अपने हाथ तो बहुत आलू लगता है, आपको पता है सर, तो वहाँ पे आलू खोदने की मशीन भी आप लेके आए सर? आलू की हम 3 वेराइटियां लेके आए आलू खोदने की मशीन। पहली वेराइटी हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। किसान भाइयों, ये आलू खोदने की वैरायटी भी इनके पास है, ये पहला फर्स्ट मॉडल है जिसके बारे में बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो मॉडल है फर्स्ट है, कौन सा है सर ये? ये फर्स्ट मॉडल है हमारा। अच्छा, ये चलेगा जी आपका 24 इंची से 27 इंची के जो आलू है ये वो निकालेगा और 48 इंची का बेड निकालेगा। अच्छा अच्छा। अब इसकी खासियत ये है, इसमें हमने फ्रंट रोलर लगाया है जी। कुछ किसान भाई हमारे परेशान हो जाते हैं बेड में कि मिट्टी मतलब डले बन जाते हैं, बड़े आलू के साथ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसको प्रेस करने के लिए, उसे ब्रेक करने के लिए, तो ये शॉकर वाला हमने रोलर लगाया थे। अच्छा अच्छा। अब बात करते हैं सर, इसकी चौड़ाई क्या दे रखी है आपने आगे से सर? ये जो ये है 50 इंची की चौड़ाई फ्रेम है ये। अच्छा। और इसका जो है तवे से तवा 48 इंची है। अच्छा। तो वही जो 48 इंची का बेड हो गया, 27-26 की गोले होगी उसमें, उसका साइज है हमारा। अच्छा। अब बात करते हैं सर, मेन चीज होती है गियर बॉक्स, क्योंकि जब गियर बॉक्स जैसे दिल होता है हमारे अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, उस लेवल का काम गियर बॉक्स करता है सर। जी। तो इसके अंदर गियर बॉक्स आपने किस क्वालिटी का लगा हुआ है सर, उसके बारे में? टॉप क्वालिटी का गियर बॉक्स है। अच्छा। और इसके टेम्पर एक्सेल लगे हुए दोनों इसमें। अच्छा। और बेल्टों की बात करें, ओरिजिनल ISA मार्का के एंडुरा की बेल्टे हैं जी, FK के ओरिजिनल, ट्रिपल सील के बेरिंग है सारे। अच्छा। अब बात करते हैं सर, इसके अंदर मैं देख रहा हूँ ये कुछ नया सिस्टम मुझे लग रहा है, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा सर। सर ये देखो, ये जो है ये कन्वेयर जाल जो है 100 सरिये का है। हाँ। अब इसमें जो है हमने नया वाइब्रेशन सिस्टम दिया है जो कि बाहर बेल्टो पुली से चलता है। हाँ। डबल वाइब्रेशन है जी। और जो पट्टा आप देख रहे हैं, पट्टा ये नॉर्मल कोई उसका देसी पट्टा नहीं है, ये इम्पोर्टेड पट्टा है जो हमने करवाया है ये जी। और इसके बाद ये पीछे गरारियां हैं जी जी जी। अभी तक आपने देखा होगा देख चून का मतलब सारा चलता था वाइब्रेशन और पीछे गरारियां, ये रबर की है जी। ये चीज करने की वजह से पहली चीज तो जाल की लाइफ बनती है जी। और दूसरी चीज जो शोर शराबा है वो जो लोहे से होता था जी, वो शोर शराबा इसमें साइलेंट चलती बिल्कुल है, साइलेंट बिल्कुल। कोई पता नहीं आल मशीन चल रही है खेत में, नहीं चल रही सर। अच्छा। और ये रोलर जो पीछे दिया है, इसकी क्वालिटी हो बताएं सर, रोलर की क्या क्वालिटी है? ये रोलर जो है हमारा मतलब 12 इंची का रोलर है ये, मान लो जो मिट्टी छनती है जी, तो मिट्टी को प्रेस करता हो जाता है बिल्कुल साफ, प्रेस मिट्टी के ऊपर हमारा आलू गिरता है। अच्छा अच्छा। ये तो आपका हो गया सर फर्स्ट मॉडल, अब बात करते हैं सेकंड मॉडल की। सेकंड मॉडल सर ये हमारा। अच्छा, इसके बारे में बताएं सर थोड़ा सा। ये भी सर पोटैटो डिगर ही है हमारा जी, दोनों साइड टू साइड ड्राइविंग मॉडल है ये। अच्छा। इसमें डबल जाल है। अच्छा, डबल जाल देने का क्या कारण सर ये बताएं? डबल जाल का है जी, जैसे मान लो मिट्टी ज्यादा छनती है, बिल्कुल प्योर आलू, बिल्कुल फ्रेश आलू पीछे गिरता है। अच्छा अच्छा, मिट्टी जा ही नहीं सकती, प्योर आलू या आलू जाएगा? आलू जाएगा, मिट्टी यहाँ छनेगी, उसके बाद जब आलू यहाँ जंप करेगा तो यहाँ मिट्टी छनेगी, बाकी प्योर आलू पीछे गिरता है। अच्छा, डबल जाल का जो मतलब है बिल्कुल आलू को फर्स्ट वाले जाल पर जो गिरेगा आलू डालेगा, मिट्टी नहीं जाएगी।
और कुछ इसमें डिफरेंस है सर उससे? इसका जो फ्रेम साइज है ये चौड़ा है, जैसे आजकल हमारा जिगजैग में पैटर्न पे आलू लगता है, जैसे 30 इंची 32 इंची पे जी, तो ये दो बेड 32 इंची और 30 इंची वाले में चलने वाला मॉडल है। अच्छा, अब बात करते हैं सर इसका गियर बॉक्स सेम है, कुछ अंतर दिया इसका है? अलग है इसका, इसका हाँ, इसका जीप, का, जीप का डिफरेंशियल लेके आए इसमें हम। अच्छा, चलता है पुराना ही है। देखो किसान भाइयों, जो पहले जीप में गियर बॉक्स आता था वही गियर बॉक्स इसके अंदर दिया हुआ। अब बात करते हैं सर इसको कितने एचपी तक का ट्रैक्टर चलाएगा? इसको सर 45 एचपी ट्रैक्टर कम से कम चाहिए। अच्छा, 45 प्लस में। अच्छा, क्योंकि इसकी लंबाई होगी, इसका वजन हो गया और इसमें जो है खींचने के लिए भी मान लो ज्यादा, मतलब दो बैठ जाएंगे तो ज्यादा ताकत चाहिए, तो 4x4 ट्रैक्टर होना चाहिए। अब बात करते हैं सर इसके ब्लेड की क्वालिटी। जी जी, क्योंकि मेन चीज आलू को खोदने में पड़ती है ब्लेड, ब्लेड तो ब्लेड बढ़िया होगा तो मशीन ऑटोमेटिक ही बढ़िया चलेगी। तो इसकी ब्लेड की क्वालिटी क्या दे रखी है सर? ब्लेड इसके बारे हमारे ये 3 पीस में है जी, जो साइड के दोनों पीस हैं ये हमारे बोरन स्टील के हैं। अच्छा, और बीच का जो है वो नाली में चलता है वो हमने लोहे का रखा है। अच्छा, गारंटी वारंटी क्या है सर इसकी? गारंटी वारंटी सर सीजन की होती है। अच्छा, और कोई ब्रेकडाउन नहीं है मशीन में जी, फ्यूल एफिशिएंट है जी, टाइम सेविंग है जी, और मतलब बचत ही बचत है किसान। अच्छा, अब बात करते हैं आपका जो तीसरा मॉडल है सर उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करी जाए। ये किसान भाइयों इनका तीसरा मॉडल है, इसकी भी जानकारी देने वाले हैं सर। तो सबसे पहले इसके बारे में बताएं सर, इसमें उन दो मॉडलों से अलग क्या है सर? सर इस मॉडल का नाम है पोटैटो डिगर साइड ड्रॉपर। अच्छा, ये आलू को साइड में ड्रॉप करता है। अच्छा, पीछे नहीं फेंकता सर? ये पीछे नहीं फेंकता। अच्छा, साइड में जो किसान भाई एक एक जगह आलू को इकट्ठा करना चाहते हैं तो एक जगह आलू को इकट्ठा कर सकता है। हाँ जी, तो जैसे बात बता रहे थे आप साइड का आलू को इकट्ठा करता, तो एक फेरे में इसके अंदर कितना आलू आ जाता है सर? इसमें मैं बताऊं आपको, जैसे दो गुले लेके चलेगी मशीन ये जी, दो गुलों का आलू साइड वाली दोनों गुलों की नाली में गिरता है। अच्छा अच्छा, आप जब इधर ट्रैक्टर लेके गए फिर वापसी में आप वो दोनों गुले फिर उठाओगे। हाँ हाँ हाँ, तो वो 4 गुलों का आलू एक मतलब साफ मिट्टी में एक लाइन बनाता हो जाएगा। अच्छा, अब बात कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सर इसमें डबल गियर बॉक्स लग रहा है, एक गियर बॉक्स इधर है सर और एक गियर बॉक्स इधर दिया है सर, तो इसमें काफी आपने चेंज करा, इनके बारे में बताए सर? वो वाला तो डबल कन्वेयर आ गया ना, एक कन्वेयर ये एक कन्वेयर इधर है। अच्छा, तो इधर आलू जाने के लिए तो गियर बॉक्स हमने इधर यूज कराई है। अच्छा, ये जो गियर बॉक्स लगाया है आलू को साइड से निकालने के लिए, साइड के लिए। अच्छा, और कुछ सर इसमें रह रहा हो तो उसकी जानकारी बताएं सर कुछ अलग? बस जी ये हमने डिस्कें लगाई हैं, बोरन स्टील की डिस्कें हमारी ये 23 इंची की डिस्कें हैं, ये भी हमारी टेम्पर्ड है जी, ये भी घिसाई कम होती है इसकी। और बाकी मैंने आपको इधर इधर दिखाई दिया पट्टे की क्वालिटी, इम्पोर्टेड पट्टे हमारे ये। अच्छा, बात करते हैं सर इनकी गारंटी और वारंटी, आप बता ही रहे हैं 1 साल की फुल सीजन की गारंटी रहती है किसान भाइयों के लिए। यहाँ जैसे आप लुधियाना मेले में लेके आए हैं, काफी किसान पंजाब के भी हैं यहाँ पर, यूपी से तो नहीं है ज्यादातर, पंजाब के हैं, और आप यूपी से चल के आए जी, जी। अपना ये क्वालिटी दिखाने पंजाब वालों को जी, जी, जी। तो आज इस लुधियाना मेले में किसान किसानों के लिए क्या छूट करोगे इसमें? जी हमारे जो मशीनों के एक्चुअल रेट है, जैसे मैं आपको इसकी बात करूँ, ये हमारी मशीन है जी, ये 1.5 लाख की मशीन है, इसमें 10,000 का डिस्काउंट है हमारा। 10,000 का डिस्काउंट जी जी जी। अच्छा, एक वो मॉडल है वो पंजाब में चलता है जी, उसमें हमने 20,000 का डिस्काउंट रखा है, 20,000 रुपए का डिस्काउंट। अच्छा, और ये जिगजैग वाला जो आलू करता है वाला, इसमें हमने 10,000 का इस पे रखा है। अच्छा, ये तो वही आलू खोदने की मशीन सर जी, जी जी। और आलू जो लगाने की मशीन है आपका बढ़िया मॉडल लग रहा है सर, ये भी पंजाब की तुलना में आपने तैयार कराया सर, कमाल कर दिया। तो इस पे क्या डिस्काउंट होगा सर? ये 2,20,000 का हमने यहाँ रेट रखा है, लेकिन हम डिस्काउंट करके 2 लाख का दे रहे हैं। अच्छा, 2 लाख का जी जी। सबसे पहले ये जो मॉडल है आपने, इस मॉडल का क्या नाम है सर? सर ये ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर है, ये 26 इंच पे 2 लाइन लगाता है आलू की। अच्छा, और जैसे पंजाब में पराली का इशू होता है तो हम इस मशीन में जी डिस्क टाइप मॉडल लेके हैं अपना ये। अच्छा अच्छा, अब बात करते हैं सर इसको कितने एचपी का ट्रैक्टर चलाएगा सर? इसको 40 एचपी का ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी सर। अच्छा, 40 एचपी का ट्रैक्टर। अच्छा, ये जो आपने इसमें चैन लगा रखी सर जी, ये ऊपर जो कवर लगाया है जी जी, ये तो आपने किसान भाई का हाथ न जाए उसकी सेफ्टी के लिए, कोई कपड़ा ना फंसे, कोई हाथ पैर कोई इंजरी ना हो, इसलिए लगाया। अच्छा, अब बात करते हैं सर इसमें ये जो आपका ये क्या डलता है इसके अंदर? ये फर्टिलाइजर बॉक्स है जी, इसमें खाद जाता है और ये खाद यहाँ पर इधर शटर के थ्रू नीचे आता है। अच्छा जी सर, बात करते हैं सर जैसे
आजकल ठंड काफी पड़ती है, आलू लगता है उस समय, ठंडा मौसम में हो जाता है, तो जैसे ये खाद इसके अंदर जाएगा ये चिपक नहीं जाएगा खाद, इसके कारण कभी बंद हो जाए सर? नहीं नहीं, कोई चिपकता नहीं, कुछ नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं पीछे सर, इसमें जो आलू की खपत एक बार में कितना आलू डल जाता है सर? इसमें 350 किलो आलू आ जाता है इस ऑफर में। अच्छा, 350 किलो? जी जी। अच्छा, तो इसमें मजदूरों की कितने की जरूरत पड़ती है सर? इसमें मजदूर तो सिर्फ आलू इसके मतलब होपर के अंदर पलटने के लिए चाहिए बस। अच्छा। और कुछ नहीं है, बाकी एक ड्राइवर है, उन्हें ट्रैक्टर जोड़ा, मशीन चलाते रहो, कोई नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं इसके अंदर जो आपने ये बैरिंग लगा रखे हैं सर, कौन सी क्वालिटी के बैरिंग है? सर सारे बढ़िया क्वालिटी के इम्पोर्टेड बैरिंग है इसमें। हाँ। कोई ब्रेक डाउन नहीं है, कुछ नहीं है, सिंगल व्हील ड्राइव है, डबल व्हील ड्राइव भी मशीन है हमारे पास ये। अच्छा, अब बात करते हैं सर, ये मैं कुछ नया देख रहा हूँ, ये क्या चीज कराया सर आपने, इसके बारे में बताया सर? ये पंजाब में हमारा चलता है, ये जो शॉकर सिस्टम है। जी जी, ये पंजाब वालों में देखा है, ये पहियों में दाब देने के लिए है ताकि पहिया दबे और वो सही घूमे। अच्छा, तो हमने ये हैंडमेड कर दिया इसमें। अच्छा, हाथ से घूमता है, टाइट जितना भी कर लो, ढीला कर लो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है, ये किसान भाई जैसा करना चाहे वैसा कर सकता है। हाँ, इसे ऊपर कर लो, डाउन कर लो। अच्छा, ये जो आपने इनकी दूरी रखी है सर, ये कुछ किसान अपनी लेवल से कम्वर्ती कर सकता है सर? यही रहेगी ये 26-27 इंची पे चलता है बस। अच्छा, 26-27 इंची पे ग्रेडेड आलू चलेगा इसमें, मतलब कि 3 इंची तक और मतलब 1.5 इंची तक के आलू चलते हैं बढ़िया। अच्छा अच्छा, और बात करते हैं सर इसके पेंट के बारे में। जी जी, क्योंकि किसान भाई के पास होती है जगह कम, किसान भाई अपना काम करके बाहर खड़ी कर देता है मशीन को, है नी, कुछ मशीनों पे पेंट ऐसा आ रहा है सर, वो बाहर खड़ी करके पपड़ी बनी, अब पेंट उतर जाता है। नहीं नहीं, ये तो आपने कौन सा पेंट लगा रखा है? हमारा पेंट, पेंट से पहले तो इसमें प्राइमर लगता है हमारा। अच्छा जी, प्राइमर सूखने के बाद इसमें टचिंग होती है, टचिंग होने के बाद इसमें पीयू पेंट करते हैं। अच्छा, सारे पार्ट्स अलग अलग होते हैं पेंट, उसके बाद इसकी असेंबली करी जाती है। मैं बात करूंगा सर, ये क्या दे रखा है आपने? ये हमारी फर्म का नाम है, लेजर कटिंग से निकलवाया इसमें। अच्छा 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 जी, तो इसका कटिंग करवाने का क्या प्रोसीजर सर इसके बारे में? ये कैड डिजाइनिंग होती है। अच्छा, तो हमारी पूरी मशीन ये कैड डिजाइन हुई है पहले। जी, सारे पार्ट्स अलग अलग डिजाइन हुए हैं। जी, उसके बाद लेजर मशीन पे ये कटे हैं, उसके बाद लेजर CNC कटिंग मशीन जो होती है उस पे ये प्रॉपर बेंडिंग जितने डिग्री चाहिए हमें सारा उसमें हुआ ये। अच्छा, अब बात करते हैं सर, इस पर सब्सिडी प्रूफ है? नहीं जी, इसकी हमारी यूपी में, हरियाणा में, हिमाचल में, बिहार में और पंजाब में भी 2-1 दिन में हो जाएगा इसमें। अच्छा, इसकी गारंटी वारंटी क्या रहने वाली सर? गारंटी वारंटी सीजन की होती है। अच्छा, ग्रेड आलू चलता है इसमें, ग्रेड आलू डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आने की। अच्छा, बढ़िया चलेगा। बाकी इसकी डेप्थ, आलू की जितनी गहराई रखनी है, आलू की दूरी रखनी है, सारी चीज इसमें एडजस्टिंग है। अच्छा अच्छा, अब सारी जानकारी आपने सर दे दी है। जी जी, और मैं भी यूपी से हूँ, इस मेले के अंदर आया हूँ क्योंकि मैं संभल रहता हूँ, और किसान भाई चैनल के माध्यम से देख भी रहे हैं, आपका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। जो किसान भाई हमारे चैनल के माध्यम से इनको खरीदना चाहते हैं, स्कीम छूट भेजना चाहते हैं, तो उन किसान भाइयों को मेरे चैनल के माध्यम से क्या छूट करोगे सर? सर आपके हम 5,000 और डिस्काउंट कर देंगे। पक्का? बिल्कुल, वीडियो में बोल रहे हैं सर? जी बिल्कुल, 5,000 पक्का, यूट्यूब के किसान शक्ति चैनल से हम 5,000 का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद किसान भाइयों, सर ने इतनी अच्छी जानकारी दी है, जो मशीन खरीदने चाहते हैं स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, जो मेरा चैनल का स्क्रीन शॉट भेजेंगे उन्हें 5,000 की छूट मिलने वाली है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।